यूपी में 6 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण 21 जिलों में बाढ़ आ गई है। 200 से ज्यादा गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हैं और पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत भी हो गई है। बता दें कि वाराणसी में 85 घाट और 2000 छोटे बड़े मंदिर गंगा में डूब गए। घाट किनारे बसी कॉलोनियों में पानी भी भर गया, जिसके कारण 25,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। उधर बिहार के आगरा में भी गंगा उफान पर है। बक्सर में बाढ़ के कारण सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया है। गया में भी 100 से ज्यादा घर डूब गए हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कुमारहट्टी में लैंडस्लाइड के कारण नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया। वहीं राज्य में भारी बारिश के कारण 74 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।